हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो सुबह सुबह तो आजकल कोहरा हो रहा था डेली, आज जल्दी ही धूप निकल गई और मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट कपड़े धो के सुखाने दे देती हूँ। और आज एक बड़ा काम भी करना था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, सारे जो फुट मैट है वो सब हमें वॉश करना था, तो वो भी आज मतलब कर ले रहे हैं। और साथ ही आज मैं जाने वाली हूँ आईकिया। तो 2020-21 में क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आए हैं आईकिया में वो मैं देखने जा रही हूँ, साथ ही मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी लेने जा रही हूँ। तो आज लंच में बना रही हूँ पनीर मटर आलू पुलाव, इसे तहरी या फिर वेज बिरयानी भी बोल सकते हैं, पर इसमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं दिया है मैंने। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये बनाया है और राइस कुकर में बनाया है, जिससे कि जल्दी जल्दी मेरा आज का लंच प्रिपेयर हो जाए। मैं फ़िलिप्स का राइस कुकर यूज़ कर रही हूँ, ये ऑल इन वन राइस कुकर है, तो इसमें सब्ज़ी, दाल, मटन, चिकन, बिरयानी, केक वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। अलग अलग सेटिंग्स है इसमें, तो कभी मैं इसका एक वीडियो ज़रूर आपको शेयर करूँगी कि इस राइस कुकर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब से इस राइस कुकर को यूज़ कर रही हूँ तब से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना इजी हो गया है। आलू, मटर, टमाटर और पनीर ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। मसालों को ऐड करने के बाद उसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। नॉर्मली अगर आप प्लेन राइस बना रहे हो तो फिर यहाँ पे 2 कप राइस के हिसाब से वाटर मार्क दिया है, उतना आपको पानी देना है। पर क्योंकि यहाँ पे हम पुलाव बना रहे हैं तो सब्ज़ियाँ भी हैं, पनीर भी है, तो पानी का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो मैं पानी का मेजरमेंट इस तरह से करती हूँ कि जस्ट ऊपर की सतह तक मैं पानी देती हूँ। इस पुलाव का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कटी हुई हरी धनिया भी दे देंगे और फिर इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। 15 मिनट प्रेशर कुक करने के बाद देखिए हमारा जो पुलाव है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही बढ़िया पुलाव बना है। देखिए खिले खिले राइस। इस पुलाव को मैं सर्व करूंगी बूंदी रायता के साथ। सारे काम जल्दी जल्दी आज मुझे करने थे क्योंकि आईकिया जाना था, तो डिश वॉशर में सारे बर्तन धोने के लिए सेट कर दिया है। तो आईकिया के लिए हम आए हैं दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल। तो बहुत दिनों से कास्ट आयरन का बर्तन लेना चाहती थी और आज मुझे ये यहाँ पे मिल गया, तो ये मैं आज लेने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट मिला है, 25 ईयर्स का वारंटी है इसका। इसका प्राइस है 165 दिरहम्स। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा एक सेट, सर्विंग सेट है ये, 4 पीस का स्टेनलेस स्टील का, जिसका प्राइस है 79 दिरम्स। एक और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट, ये स्ट्रेनर है और इसमें हम पास्ता, नूडल्स, फिर वेजिटेबल्स वगैरह रख के बॉयल कर सकते हैं। ये आइकिया का न्यू प्रोडक्ट है तो इसका प्राइस है 39 दिरम्स। तो दोस्तों और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए नए आए हैं, तो उसका एक अलग से वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी के लिए इतना ही। मैं थोड़ा आराम से अभी शॉपिंग कर लेती हूँ और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।